जी तो गाइस, दुबई वीज़ा की एक नई अपडेट सामने आ रही है जो आज आप लोग साथ शेयर करनी है। अपडेट्स आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बंदा इस टाइम दुबई में ट्रेवल करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान से है या वो दुबई के अंदर इस टाइम मौजूद है, तो ये अपडेट्स उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली नई अपडेट्स आई है वो आप लोग से शेयर करनी है। और दो अपडेट्स हैं, एक जो वीज़े के बारे में है और दूसरा वीज़े कब नॉर्मली लगना शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट्स आपको पता आती है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। बाद में कुछ लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि आपने बताया नहीं है, आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। देखिए, बात को जस्ट मैं आपको कह दूँ ना कि वीज़े ओपन हो गए हैं, ठीक है जी, वीडियो बंद कर दूँ, थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों को ये मैं कह दूँ कि वीज़े ओपन हो गए हैं बस, और आप लोग कहेंगे हाँ यार वीज़े खुल गए, चलें वहाँ जाते हैं, वीज़े चेक करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो वीज़े तो खुल गए हैं, लेकिन वीज़े किस तरह से खुल गए हैं वो चीज़ समझे ना मेरे भाई। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं, आप लोग कहते हैं वीडियो छोटी बनाया करें, जब वीडियो मैं छोटी बनाऊँगा तो मैं आप लोगों को डिटेल्स कैसे बता सकूँगा। दूसरे जिस जो भी आप लोगों को यूट्यूब पे चैनल नज़र आता है, अगर आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे डेली के हिसाब से 2 से 3 वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अगर उनका दौरान ये लगाया जाए, व्यू ड्यूरेशन लगाया जाए, तो वो तकरीबन 12 से 15 मिनट की आप उनकी डेली की वीडियो देखते हैं, और मेरी 7 से 8 मिनट की जो वीडियो होती है आप लोग वो नहीं देखते। 2-3 वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को तमाम सारी डिटेल्स बता देता हूँ जो भी नई अपडेट्स आती हैं। अब देखिए, वीज़ा जो खुलने की बात की जा रही है, नेक्स्ट महीने में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपको अच्छी जो न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह सिस्टम नॉर्मली वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें अपडेट्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, और जो दूसरी अपडेट्स है सबसे पहले वो आप लोग से शेयर करूँ। आपको पता है दुबई की कितनी रियासतें हैं? 7 रियासतें हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, ओमान, रासल खेमा, उमुल क्वीन, ये तमाम तर जो रियासतें हैं 7। अब इनके डिफरेंट लॉ होते हैं वीज़े को लेके। अब कुछ लोग रासल खेमा से कमिट्स करते हैं, कुछ लोग शारजा से करते हैं, कुछ लोग अबू धाबी, कुछ लोग दुबई, कुछ लोग फुजैरा, कुछ लोग कहाँ से कमिट्स करते हैं। तो अब आप लोग जब कमिट्स करते हैं उसमें जो अभी अपडेट्स आई है, शारजा की डिफरेंस है, अबू धाबी की डिफरेंस है, दुबई की डिफरेंस है। स्ट्रिक्स जो है सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हैं वो अबू धाबी की और दुबई की है। दुबई की भी थोड़ी सी आसान है, लेकिन अबू धाबी की अगर बात की जाए तो कानून अबू धाबी का बहुत सख्त है। यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग जब डिग्रीज़ वगैरह अपनी सेंड करते हैं तो आप वो रिजेक्ट हो जाती थी, यानी कि एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। अगर अब आप लोग कोई स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसके साथ फेक डिग्री अटैच करके यूज़ करेंगे तो इसकी आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और बाकायदा हो सकता है कि आप लोगों को डिपोर्ट भी किया जाए। ये चीज़ें नई सामने देखने को मिल रही हैं, नई सामने देखने को आ रही हैं। आप लोग जब भी कोई भी वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि जब भी आप लोग कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसको मेक श्योर करें कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं, अगर फेक हैं तो कभी भी अटैच ना करें, ख़ासकर अबू धाबी की जो वीज़े के लिए है, ठीक है। अबू धाबी का वीज़ा अलग है, दुबई का वीज़ा अलग है, और ये तो शारजा का वीज़ा अलग है। अब एक और चीज़ में चीज़ जो अपडेट सामने आ रही है, आप लोगों को बताऊं कि ये फेक न्यूज़ है कि जो भी बंदा दुबई का वीज़ा लेके अगर अबू धाबी में लैंड करेगा, यानी कि दुबई का उसके पास वीज़ा और वो अबू धाबी में आ रहा है, तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी जो है गवर्नमेंट्स की तरफ से नहीं सामने आया कि ऐसा कुछ भी है। और एक कमेंट्स में पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ एक बंदे ने पूछा कि जो नेक्स्ट मंथ का मैं कह रहा हूँ कि वीज़ा ओपन हो जाएंगे, कह रहा था कि वहाँ पे मैं 6-7 साल रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई हो। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ से वीज़ा खुल जाएगा? ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, और आप लोगों को मैं समझाऊँगा और आप लोग समझ जाएंगे कि वाकई मैं सही कह रहा हूँ। बंदा कह रहा है कि 6-7 महीने वो रहा है। अब मेरा एक उनसे ये सवाल है कि आप 6-7 अब मेरा उनसे एक सवाल है कि आप 6-7 साल दुबई में रहे हैं, क्या आपने दुबई के अंदर देखा है किसी किस्म की ऑफिशियल न्यूज़? 100% नहीं देखी होगी। और अब मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपने ऑफिशियली न्यूज़ देखी है कि दुबई के जो वीज़ा हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं? जो आप लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वीज़ा बंद हैं, इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट और इमिग्रेशन जब भी जो भी चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, उसके लिए उनको कोई हेडलाइन
कोई न्यूज़, कोई किसी खलीज टाइम या गल्फ न्यूज़ कहीं पे भी अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ आप लोग कहीं भी मुझे बता सकते हैं कि दुबई की वीज़े बांधे ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की हो, पाकिस्तानियों की वीज़े बांधे नहीं किए गए। जब सिस्टम अपडेट होता रहता है, किसी को भी नहीं पता चलता कि रात को क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा। तो ये तमाम सर चीज़ें जो है, ये इंडिया पाकिस्तान या कोई और इस तरह की कंट्री नहीं है कि मीडिया वो कंट्री चला रहा हो, नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है गवर्नमेंट्स की होती है। अब इसमें जो अहम चीज़ है कि दुबई के वीज़े डिफरेंट से, अबू धाबी के भी डिफरेंट वीज़े हैं। हर एक कंट्री का, हर स्टेट का जो है डिफरेंट कानून होता है वीज़ा इशू करने का। जिस कुछ ऐसी स्टेट होती हैं जिसमें कभी कभार आपको एक एक महीना लग जाता है वीज़ा इशू होने में, और कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जिनमें आप लोगों को 2 से 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है। बात करेंगे अबू धाबी की। अबू धाबी में अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जिस टाइम आप लोगों का अप्रूवल आएगा तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। अलबत्त डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद, ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए और आप लोग उम्मीद लगा के बैठे नेक्स्ट दिन आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वीज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हो। तो ये तमाम तरह जो नई अपडेट्स आ रही है मैंने आपको शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में भी उम्मीद की जा रही है कि जो वीज़ा है वो पहले की तरह नॉर्मली लगना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जो लेबर कैटेगरी की अपडेट्स है वो भी इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी नेक्स्ट मंथ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस टाइम दुबई के अंदर वीज़े बंद नहीं हैं। जो लोग कह रहे हैं बंद हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ऑफिशियली न्यूज़ बता दें कि कहाँ पे किसी ने, गवर्नमेंट्स के अदारे ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। वीज़े लग रहे हैं, मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहा है कि दुबई गवर्नमेंट्स की, दुबई के जो वीज़े हैं पाकिस्तानियों के लिए वो लग रहे हैं, वीज़े बंद नहीं हैं। सिस्टम को समझें, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं, अनस्किल और स्किल्ड। ये सारी पुरानी बातें आप लोग के साथ करना फजूल है, लेकिन अनस्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी बना दी गई है। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग कहते हैं कि वीज़े बंद हैं। लेबर कैटेगरी को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और स्किल्ड कैटेगरी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट्स है, कोई स्किल्ड का डिग्री है, तो आप लोग ईज़िली अप्लाई करेंगे और आप लोगों का ईज़िली वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। अलबत्त आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट होने चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी जो नई अपडेट्स आई है वीज़ो को लेके, कि जितने लोग भी वीज़ा इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे नेक्स्ट मंथ से, जो नेक्स्ट मंथ आप लोग देखेंगे अभी शुरू होने वाला है, तो उस नेक्स्ट मंथ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को भी मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि जो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे उनका वीज़ा जो है बहुत जल्द, और यानी कि किसी भी रुकावट के बगैर उसको मिलेगा। अलबत्त अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हुआ तो, कानून को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट्स रियल हुए, डिग्रीज वगैरह रियल हुई, टेस्ट हुई, तो इंशाल्लाह बंदे को वीज़ा ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।